गाइस, वेलकम टू अचीव IAS। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 18 मार्च 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस से शुरू करेंगे। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको कैसे कैसे आर्टिकल आए। वैसे तो मेंस के लिए बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए आया है, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले हमारा फ्लोर टेस्ट फर्स्ट की बात और फ्लोर टेस्ट की बात हो रही कि जो मध्य प्रदेश में अभी जो ये सब चल रहा है, तो बेसिकली आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब भी 10 शेड्यूल पढ़ें और एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ें तो उस पर जरूर फोकस करके चलना, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की न्यूज़ की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेके चल रहा है। दूसरा जो आर्टिकल है हमारा एपी सेंटर शिफ्ट, ये बात हो रही है किस तरीके से एपी सेंटर जो है वो चाइना से यूरोप में आ चुका है। यानी अब जो है चाइना में तो केसेस इतने कम आ रहे हैं जितने यूरोप में आ रहे हैं, और चाइना में जितनी मौत से ज़्यादा मौत तो यूरोप में हो रही है। खास करके आप इटली में देखो, है जर्मनी में देखो, तो ये यूरोप में जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, यूरोप को अब जो है एपिसेंटर माना जा रहा है इसका। हालांकि ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, तो ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसको एपिसेंटर माना गया, बस किस तरीके से हम आगे इससे डील कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इतना कम क्यों है, कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब जो है मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहला जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं वह रिवाइवल ऑफ मल्टीलेटरिज्म स्टीड बाय इंडिया। अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा आर्टिकल है और प्रेजेंट कंटेक्स में बहुत इंपॉर्टेंस लेके चल रहा है। द कोविड पेंडेमिक हैज़ ब्रॉट आउट इन शार्प रिलीफ द कंपेलिंग रियलिटी दैट हैज़ बीन स्टेयरिंग अस इन द फेस ऑफ द पास्ट सेवरल ईयर्स। COVID-19 हमारे सामने एक ऐसी प्रॉब्लम लेके आया है जो पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिल रही है, और इस बीमारी की वजह से काफ़ी जगह उजागर हुई है। इस सच्चाई के दो एस्पेक्ट हैं। पहले तो ये जो रियलिटी है वो ये है कि जो भी चैलेंजेस अब दुनिया में आएंगे हमारे सामने वो क्रॉस नेशनल होएंगे। दूसरी रियलिटी है कि क्रॉस डोमेन होएंगे। अब क्रॉस नेशनल क्या होते हैं, COVID-19 क्या है, क्या वो किसी की बाउंड्री देख के जाता है कि भाई चाइना में हुआ था मैं तो चाइना के दुश्मनों के ही लोगों के पास जाऊँगा, दुश्मन देशों में ही फैलूँगा, ऐसा तो है नहीं। तो वायरस ने कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं देखी। क्लाइमेट चेंज भी आएगा, कोई पॉलिटिकल बाउंड्री देखता है वो नहीं। टेररिज्म आएगा, टेररिज्म भी हमारे लिए चैलेंज है, क्या वो पॉलिटिकल बाउंड्री देखेगा, नहीं। वो तो खुद के लोगों पे ही हमला करते हैं जो टेररिस्ट होते हैं, वो खुद के रिलीजन पे ही हमला करते हैं, तो वो और देशों की पॉलिटिकल बाउंड्री तो क्या देखेंगे। दूसरा क्रॉस डोमेन, क्रॉस डोमेन का मतलब ये है कि एक डोमेन में डिस्रप्शन मतलब दूसरे डोमेन में जो है खात्मा हो जाएगा। जैसे आप अगर, मैं आपको एग्जांपल लेके चलूं, जैसे आप अगर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज लोगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा लेकिन हेल्थ इफेक्ट्स जो है वो एडवर्स हो जाएंगे, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा हेल्थ पे। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो अगर आपने पेड़ काटे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बढ़ जाएगा, आपको ज़मीन तो मिल जाएगी फार्मिंग के लिए और फैक्ट्रीज वगैरह के लिए और पॉपुलेशन को सेटल करने के लिए, लेकिन एयर पोल्यूशन को कौन रोकेगा। पेड़ काटने से तो अनगिनत जो है प्रॉब्लम होएंगी, कितना गिनाऊंगा मैं। तो ये क्रॉस नेशनल और जो क्रॉस डोमेन जो प्रॉब्लम्स हैं ये आज की सच्चाई है, और इसमें हम बात करने वाले हैं किस तरीके से इनसे लड़ा जा सकता है। अब वो चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, लिंकेज है भाई। अगर अमेजोन फॉरेस्ट जलते हैं ब्राज़ील में तो ऐसा थोड़ी है कि पोल्यूशन ब्राज़ील में फैलेगा या दिक्कत ब्राज़ील को आएगी। दुनिया में ऑक्सीजन, ऐसा थोड़ी है कि इंडिया के लोग ऑक्सीजन इंडिया के पेड़ से ही ले रहे, तो दिक्कत तो पूरी दुनिया को आएगी। तो इंटर डोमेन, इंटर क्रॉस डोमेन और क्रॉस नेशनल यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, और UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसी चीज़ पे फोकस करके चलते हैं। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी, मल्टीलेटरलिज्म की प्रॉब्लम। क्या पहले तो समझो, यूनिलेटरलिज्म, बिलेटरलिज्म, मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है। तो यूनिलेटरलिज्म मतलब होता है कि किसी एक की पावर, जैसे पहले क्या था कि US सुपर पावर थी तो यूनिलेटरलिज्म हो गया, एक तरफा जो है वो काम करता था, किसी की सुनता नहीं था। बायलेटरलिज्म हो गया कि आप जो है यहाँ पे और कंट्री के साथ मिलके काम कर रहे हो। जैसे बायलेटरलिज्म आपका हो गया कि जैसे मान लो कि मैं भारत, अगर मैं सामने वाले की भी सुन रहा हूँ और दोनों मिलके काम कर रहे हैं। मल्टीलेटरलिज्म हो गया कि मैं सबके साथ मिलके काम कर रहा हूँ। ऐसे यूनिपोलर
बायपोलर मल्टीपोलर होता है, यूनिपोलर मतलब एक ही ताकत, बायपोलर मतलब जैसे एक समय में यूएसए और रशिया दो ताकतें थी बस पूरी दुनिया में, बाकी सब कमजोर थे, वो बायपोलर थी। फिर बाद में मल्टीपोलर आया जब सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ, जब इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, ये सब मल्टीपोलर वर्ल्ड में हमारे। तो आज हम इसमें बात करने वाले मल्टीलेटरल चीज़ों में। मल्टीलेटरल मतलब आप जो है पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, चाइना इंडिया के बॉर्डर के साथ प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी इंटरकनेक्टेड है, यूएसए के साथ भी इंटरकनेक्टेड है, यूरोप के साथ भी इंटरकनेक्टेड है। तो जो मल्टीलेटरल है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, और ये क्रॉस नेशनल भी है, क्रॉस डोमेन भी है। क्रॉस नेशनल चैलेंज आप अपने मेंस के आंसर में बता सकते हैं, अगर पूछ ले कि मल्टीलेटरलिज्म को क्या चैलेंज और कैसे रोक सकते हैं, तो पहला तो आप लिखो कि क्रॉस नेशनल चैलेंज, उसमें आप लिख दोगे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और डिसीजेज, ठीक है। क्रॉस डोमेन में आप लिखोगे कि जिस तरीके से फॉरेस्ट बर्निंग हो रही है, हैवी पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से दूसरे एरिया में जो है फ़र्क पड़ रहा हो, जैसे मान लो सी लेवल जो बढ़ रहा है, ये क्लाइमेट चेंज में आ गया, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसमें क्या चाहिए आपको, ये जो मल्टीलेटरलिज्म है, जो चैलेंज है, इनको सोल्व करने के लिए आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमको चाहिए गवर्नेंस के, पहली चीज इम्पावर्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस, जैसे कि यूएन, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, इम्पावर्ड हो। दूसरी चीज़ चाहिए हमको, मेंस के आंसर में पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं आराम से इनको, इंटरनेशनलिज्म और सॉलिडरिटी की स्पिरिट चाहिए, एक सेंस चाहिए कि हाँ हमारी पूरी दुनिया एक है, हमारी बाउंड्रीज हैं लेकिन हम एक इंसानियत, हम इंसान हैं, सब एक जैसे, कॉमन ह्यूमैनिटी हमारी है। लेकिन पिछले कुछ दशक में हमारा जो दुनिया, हमारी जो दुनिया है वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। अब आपको यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, चैलेंजेस मल्टीलेटरलिज्म को, उसको आप प्रॉब्लम्स की जगह डाल देना और सॉल्यूशन जो बताऊँ उसको सॉल्यूशन की जगह डाल देना, ऐसे उधर उधर मत करना, ठीक है। तो नेशनलिज्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है भाई, आज जिस तरीके से पैरोचियल मतलब लोकल इंटरेस्ट, भाई आज जो लोग हैं वो लोकल इंटरेस्ट सोल्व करने में लगे हैं और शेयर्ड जो इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट है, उसको भूल जा रहे हैं। सबसे बड़ा एक उदाहरण आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि ना क्लाइमेट चेंज से पार्टिसिपेट करते हैं ना क्लाइमेट चेंज को वो मानते हैं, और जब उनको बीमारी अब देखने को मिलेंगी, जब उनको क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा, जब उनकी सिटीज जब डूबना शुरू होंगी, तब वो इस पर ध्यान लगाना जो है कोशिश करेंगे। तो आज जो नैरो नेशनलिज्म जो हमारा ये तीसरा चैलेंज है, ठीक है। तो क्रॉस जो है मैंने आपको बता दिया, क्रॉस नेशनल, क्रॉस डोमेन, तीसरा है हमारा नैरो नेशनलिज्म चैलेंज है कि जिस तरीके से जो है स्टेट्स, कंट्रीज आपस में कंपटीशन बढ़ा रही है, कोलैबोरेशन की तो नाम की चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो ये COVID-19 आया, ये बेसिकली एक सच्चाई सामने लाया कि ये जो ग्लोबल चैलेंज है ये कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, इसकी पूरी दुनिया इस पर इफेक्ट है, पूरी दुनिया लार्ज स्केल पे जो है पैटर्न पे इफेक्ट पड़ा है, फूड प्रोडक्शन पे इसका इफेक्ट पड़ा है, हेल्थ क्राइसिस है, मगर ये इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। कितने भी जो है यूएसए के बैंक रेपो रेट कम कर दे, रेट कम कर दे, और जो यूरोप के बैंक रेट कम कर दे, इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। कितने भी जो है यहाँ पे प्राइसेस कम कर दिया जाए, ग्लोबल वैल्यू चेन का इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे डिमांड शॉक भी नजर आ रही है। तो ये क्लासिक क्रॉस नेशनल और क्रॉस डोमेन चैलेंज आपके सामने नजर आएगा, ठीक है। ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज COVID-19 का एग्जांपल आप जो है लिख सकते हैं आराम से, जब आपको मेंशन करना हो, दोनों में आ सकता है ये, क्रॉस नेशनल और क्रॉस डोमेन, ठीक है। तो मैंने आपको चैलेंज बता दिए, हम आपको सोल्यूशन में मैंने आपको दो पॉइंट बता दिए थे और सोल्यूशन आगे हम देखेंगे, उनको लिख लेना। तो सबसे पहले तो हमको अभी जरूरत क्या है मल्टीलेटरलिज्म को आगे बढ़ाने की और इन चैलेंजेस को रोकने की, ये बात करने से पहले मैं बता दूं कि प्रेजेंट में स्थिति क्या है। आज COVID-19 जिस तरीके से फैल रहा है नेशनल लेवल पे, क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ रही है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, WHO की बातें सुन पा नहीं रहे, हालांकि WHO पूरी कोशिश कर रहा है। चाइना यूएसए पे ब्लेम लगा रहा है कि यूएसए के जो है एक आर्मी मैन थे, एक फौजी थे जो आए हमारे देश में, उन्होंने जो है कोरोना वायरस ये कर गए। यूएसए ब्लेम कर रहा है कि भाई ये तो वुहान वायरस है, ये तो सारा वायरस जो चाइना से आया। तो ब्लेम गेम आपके सामने जो नज़र आ रहा है, ये दिखाता है किस तरीके से इंटरनेशनल कोऑपरेशन और लीडरशिप की भारी कमी है। ये तो आज की स्थिति है, अगर इस तरीके से चलता रहा तो इसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं, दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अब जो है जिस तरीके से अगर आपसे पूछे आंसर में कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कि जिस तरीके से लोग जो है नैरो नेशनलिज्म अपना रहे हैं और लीडरशिप नाम की चीज़ नहीं है, तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं
ये आप अपने मेन से आंसर में डाल सकते हैं अगर पूछे तो। पहला तो ये कि पहला तो एक पॉजिटिव है, आशा भरा, होपफुल ये है कि कंट्रीज़ को समझ में आएगा कि कितना भी लड़ लो, कितना भी जो है यहाँ पे ब्लेम गेम खेल लो, ऐसी डिसीज आती रहेंगी, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि हमको नेशनलिस्ट अर्ज से उठकर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा, राष्ट्रवादी सोच से ऊपर उठ के हमको जो इंटरनेशनली थिंकिंग बनानी पड़ेगी, मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं WHO, WTO, UN, इन सबको जो है हमको रिवाइव करना पड़ेगा और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। दूसरा, अब इस चीज़ को आप सॉल्यूशन में भी डाल सकते हो अपने आराम से, मैंने आपको बताया था। दूसरा जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये है जो काफ़ी निराशा भरा है, डिप्रेसिंग है, कि हो सकता है नेशनलिस्ट ट्रेंड अब और इंटेंस हो जाए। भाई USA को अब ऐसा लगे कि बीमारी चाइना से आई है, तो हम क्यों ना चाइना के लोगों को अब आने ही नहीं दें आने वाले टाइम पर। दो चीज़ हो सकती है ना, पॉजिटिव चीज़ तो ये है कि हाँ ठीक है, चाइना के साथ मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना में जो डिसीज होती है ज़रूरी नहीं है और चाइना में ही रहे, USA के लोगों को इफेक्ट करती है बहुत हद तक, जिसमें USA का बैंक कुछ भी नहीं कर पाता, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है उस डिसीज से। तो यहाँ पे एक तो आशावादी चीज़ हो सकती है कि USA चाइना के साथ कोऑपरेट करे, दूसरी हो सकती है कि USA चाइना के साथ रिश्ते ही ख़त्म कर दे या कम कर दे, या मल्टीलेटरलिज्म को बिल्कुल जो है बंद कर दें, या जो रेस्ट्रिक्शंस लगा दें मिलने जुलने में। तो फिर जो है ऐसे समय में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं और इरेलेवेंट जो है ये बन जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ओटार्किक इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज आती हैं, ओटार्किक मतलब लोकल इंटरेस्ट, सेल्फिशनेस जो होती है कि भाई खुद की इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज देख लो, और एंटी ग्लोबलाइजेशन सेंटीमेंट यहाँ पे आ सकता है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं इनके, होपफुल जो मैंने बताया आपको, पॉजिटिव जो कॉन्सिक्वेंसेज है इसका ये हो सकता है, डिप्रेसिंग भरा जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसके भी कुछ सब पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर में मेंस कर सकते हैं कि इससे क्या क्या जो है नुकसान होएगा। हालांकि एक आशा है, एक कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से मल्टीलेटरिज्म बढ़े, सार्क के साथ मोदी जी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ये इसका ही एक सबूत है। तो आज दुनिया में लीडरशिप चाहिए, स्टेटमैनशिप चाहिए, दोनों शॉर्ट सप्लाई में, दोनों की काफ़ी डिमांड है, लेकिन कोई है नहीं ऐसा। क्योंकि 2008 में उदाहरण देखो, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, USA ने पूरी दुनिया के साथ मिलकर G20 समिट जो है तब निकली थी G20, ये जो कंट्रीज हैं G20 जो ग्रुपिंग है, ठीक है, G20 समिट तब निकली थी। क्यों निकली थी? ताकि USA को अपनी जिम्मेदारी समझ में आई कि ये जो इफेक्ट है हमारे देश से जो हुआ है वो ग्लोबल इकोनॉमी पर ना पड़े, कैटास्ट्रोफिक भयानक डैमेज ग्लोबल इकोनॉमी को ना हो, इसके लिए रोकने की कोशिश की। भारत जो G20 कंट्री है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मल्टीलेटरिज्म को हमेशा पसंद करता आया है, इसके लिए क्या रोल है इस चीज़ में। तो इंडिया की भी अगर बात आ जाए आंसर में तो आप लिख सकते हैं, इंडिया की स्पेसिफिकली बात आ जाए कि इंडिया कैसे रोल निभा सकता है, क्योंकि सार्क की भी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस होंगी तो चांसेस हैं कि आ जाए, तो सार्क का एग्जाम्पल तो आप लिख ही सकते हैं, लेकिन साथ में आप ये भी लिख सकते हैं, मोदी जी का कोट भी कर सकते हैं कि इन्होंने जो है द इकोनॉमिक टाइम्स की ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा कि लाइक टुडे द वर्ल्ड इज़ फेसिंग, हाँ कोट लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं, द वर्ल्ड इज़ फेसिंग ए ह्यूज चैलेंज इन द फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस के रूप में बहुत बड़ा चैलेंज आज ये हमारी दुनिया फेस कर रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इसको फेस कर पड़ रहा है, और हम मिलके हमको ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा, हमको जीतना पड़ेगा, हमारी जो पावर है काय की पावर, कोलैबोरेशन टू क्रिएट, ये कोट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि दुनिया आज इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है और इंडिपेंडेंट है, ये वर्ड्स ना काफ़ी ज़्यादा आपको वजन देते हैं आंसर में, अगर आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में कि आज ये दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो लेकिन आज यहाँ पे कोई सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है कि ग्लोबल एजेंडा बनाए सके, जिसपे ग्लोबल गोल हो सके, कि ताकि जैसे कोई पॉवर्टी को कैसे ख़त्म करना है, टेररिज्म को कैसे ख़त्म करना है, क्लाइमेट चेंज पे कैसे ख़त्म करना है, तो ग्लोबल कोई एजेंडा है, ग्लोबल कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर काम कर रहा हो, इस पर ग्लोबल कोई ओपिनियन बन रहा है अभी नहीं ना। तो मोदी जी ने यहाँ पे खुद की पॉलिसीज भी जो है उसकी भी तारीफ की कि हम किस तरीके से अपनी कंट्रीज, जो पड़ोसी कंट्रीज हैं उनके साथ दोस्ती निभा रहे हैं, और हम किस तरीके से नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी थी उसके साथ अब अलग हो गए। अब नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी क्या थी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इतना सा बता दूं, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का मतलब ये था जो नेहरू के टाइम से शुरू हुई थी कि हम कभी भी किसी भी कंट्री के साथ अलाइन नहीं होंगे, USA के साथ अलाइन नहीं होंगे तो रशिया के साथ भी अलाइन नहीं होंगे,
दोस्ती दोनों के साथ रखेंगे, डिस्टेंस दोनों के साथ रखेंगे, लेकिन अलाइन नहीं होंगे, झुकेंगे नहीं। हालांकि ये बात जो है कुछ कुछ ही जो है यहाँ पे सही होती, 100% ऐसा नहीं था, क्योंकि हम रशिया के साथ काफ़ी अच्छी हमने दोस्ती निभाई थी, यूएसए के साथ हमारी कमी बनती थी, फिर भी हम कहते थे कि हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना रहे हैं। तो हमारे जो विचार, हमारी जो पॉलिसी थी, नॉन अलाइनमेंट की थी, और करते भी हम मोस्टली फॉलो तो नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी ही थे बाकी कंट्रीज़ के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट जो है, मोदी जी ने कहा कि एक डिफेंसिव पॉलिसी थी, जिससे लोग डिस्टेंस बन गई इंडिया की, हर कंट्री के साथ इक्वल डिस्टेंस बनाए रखने की कोशिश की। अब हमारा इंडिया जो है ये पॉलिसी को अपना रहा है, इससे दूर जा रहा है, न्यूट्रल बन रहा है, और हम डिस्टेंस की पॉलिसी नहीं अपना रहे, हम फ्रेंडशिप की पॉलिसी अपना रहे हैं। यानी कि अब हम जो है नॉन अलाइनमेंट हैं, अभी भी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना रहे हैं, लेकिन हमारा जो बेसिस था वो चेंज हो गया। पहले जो नेहरू के टाइम पे नॉन अलाइनमेंट था वो ये था कि हम डिस्टेंस बना के रखेंगे यूएसए से, डिस्टेंस बना के रखेंगे रशिया से, करीब जो है जाने की कोशिश नहीं करेंगे। आज जो हमारी जो नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी है फ्रेंडशिप पे है, कि यूएसए के साथ दोस्ती बढ़ेगी तो रशिया के साथ भी बढ़ेगी, ईरान के साथ दोस्ती बढ़ेगी तो सऊदी अरेबिया के साथ भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है ना। इसराइल के साथ दोस्ती बढ़ेगी तो पैलेस्टाइन के साथ भी दोस्ती बढ़ेगी, तो ये वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोग न्यूट्रल थे और बेसिकली इक्वल डिस्टेंस बनाए रखते थे, लेकिन आज जो है हम न्यूट्रल हैं, आज भी हम न्यूट्रल हैं, इक्वल फ्रेंडशिप हम बनाए रखना चाहते हैं, हम फ्रेंड्स हैं, साथ में हम सब मिलके काम करेंगे। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है इंडिया की। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली आप अगर आप इसका कंक्लूजन लगाए, अब आर्टिकल यहाँ पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि ये गलत है, मोदी जी ने जो कहा वैसे गलत तो नहीं है, लेकिन जो है नेहरू की पॉलिसी से मिलती जुलती है। डिफेंस से तो उन्होंने बता दिया, लेकिन नेहरू की पॉलिसी भी बिल्कुल सेम ही थी। इंडिया ने हमेशा से जो है नेहरू के टाइम पर भी फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखने की कोशिश की, हालाँकि जो है आज की जो पॉलिसी है बिल्कुल वो पहली हमारी पॉलिसी से मिलती जुलती है। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये है कि आज जिस तरीके से ग्लोबल कोलैबोरेशन की आवश्यकता है, तो इंडिया का जो यहाँ पे पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की, इंडिया की जो ट्रेडिशनल एक्टिविज्म है वो काम आ सकता है। और मोदी जी ने भी कहा साथ में कि किस तरीके से दुनिया में हमको कोलैबोरेशन टू क्रिएट, ये नारा दिया, इसको याद रखना। साथ में एक एग्जाम्पल भी दिया, सिर्फ कहा नहीं, साउथ सार्क के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, है ना। तो बेसिकली ये है जो है इन्होंने कहा, G20, UN और इन सब में भी रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। UN की इन्होंने जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने UN का जो है नाम नहीं लिया, क्योंकि UN अभी हाल ही में जो है CAA पे कश्मीर पे क्रिटिसिज्म करता नजर आया। तो फिर भी जो है हमको पॉलिटिक्स को साइड में रख के UN की इंपोर्टेंस समझनी चाहिए और UN में भी रिफॉर्म्स की मांग करनी चाहिए। हालांकि ये जो इशू है ये आंसर से हट के है, टॉपिक से हट के है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जरूरत महसूस हो रही है UN को, WHO को और G20 को, सबको जो है यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। कंक्लूजन क्या है कि COVID-19 इंडिया के एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम मल्टीलिज्म को रिवाइव कर सकें, हम एक स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल चैंपियन बन सके इंटरनेशनलिज्म का, लीडरशिप रोल निभा सके, और इंस्पिरेशन जो है ये आनी चाहिए हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से जो आज़ादी के समय से बनी हुई है। अब इस आंसर में आपको कैसे क्या क्या चीज़ें मिल गई, इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अगर क्वेश्चन में बात हो जाए मेंस में कि किस तरीके से भारत जो है मल्टीलेटरिज्म को रिवाइव करने में लीडरशिप रोल निभा सकता है, तो आप मोदी जी का कोट कर सकते हैं, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी बता सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि आज जो है मल्टीलिज्म में लीडरशिप की जरूरत क्यों है, तो आप बता सकते हैं क्योंकि चैलेंजेस हमारे क्रॉस डोमेन है, क्रॉस नेशनल है, और सब जो है नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, कोऑपरेशन कोई कर नहीं रहा, और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चैलेंजेस, इनको चैलेंजेस कैसे सॉल्व कर सकता है इंडिया, तो हमने सार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसे हम बिमस्टेक के साथ भी मिल सकते हैं, यूएन में भी रिफॉर्म्स की मांग कर सकते हैं, और मल्टीलिज्म को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो गैप है लीडरशिप का वो हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आपको इसमें मल्टीलिज्म के चैलेंजेस भी मिल गए, मल्टीलिज्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो भी आपको पता चल गया, और अगर इस तरीके से नेशनलिज्म राष्ट्रवाद आगे बढ़ता गया, अगर लोग अपने लोकल इंटरेस्ट के बारे में सोचने लग गए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, 2 महीने आपको बता दिए, एक पॉजिटिव, मतलब कोरोना वायरस से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इस डिसीज से, तो इसके एक पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया, और आपको नेगेटिव मैंने आपको बता दिया कि लोगों को या तो जरूरत समझेगी, जरूरत समझ में आएगी कि हमको आगे बढ़ना है, या लोग जो है ऑल जो है और प्रोटेक्टिव बन जाएंगे और नेशनलिज्म की तरफ बढ़ जाएंगे। कमिंग टू टर्म्स विद बायोमेट्रिक इन पुलिसिंग, देखो इस आर्टिकल को मैं आपको जो है बता देता हूँ, और मैं ऊपर से बता देता हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल जो है कई बार न्यूज़ में आ चुका, और इसके लिए जरूरी है समझना कि सबसे पहले बायोमेट्रिक्स की बात हो रही है। भाई आज जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, पुलिस जिस तरीके से काम कर रही हैं, तो 2 चीज़ें होती हैं। पुलिस का काम ऐसा नहीं है कि केवल लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें, क्राइम को रोकना और क्राइम को डिटेक्ट, क्राइम हो जाए तो क्राइम सॉल्व करना,
दोनों बड़ी बात है। हालांकि क्राइम जो है सॉल्व नहीं हो, क्राइम जो है डिटेक्ट नहीं हो पाता, क्राइम को जो है प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है, भारत की ही नहीं बल्कि और देशों की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन क्राइम को यहाँ पे सॉल्व करना पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन अभी भी जो है हाल ही में कॉन्फिडेंस कम हुआ है, जिस तरीके से जो हमारे रेप के केसेस सामने आए, जो केसेस सामने आए पुलिस पे, जो दंगों के केसेस सामने आए, इससे जो है सामने पता चल रहा है किस तरीके से पुलिस पे जो विश्वास उठता जा रहा है, पुलिस जो है क्राइम को सॉल्व नहीं कर पा रही है। तो पुलिस जो है हमारी अपनी कमियों को पहचानते हुए बायोमेट्रिक्स की तरफ बढ़ रही है, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, फिंगरप्रिंट, इन सब टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, ताकि यहाँ पे फेशियल टेक्नोलॉजी, फेशियल रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी है उससे क्रिमिनल्स की पहचान हो सके। कोई वारदात किसी जगह हो गई तो यहाँ पे चेहरे को जो है उनके जो डाटाबेस है पुलिस के पास फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का, उससे मिला के कि भाई ये आदमी जो कैमरे में आ रहा है क्या इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं पहले से, है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो इस तरीके से कुछ जाँचें होती हैं, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इस तरीके का कैमरे से इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे आंसर में हम क्या बात करने जा रहे हैं कि इसके पॉजिटिव क्या है, उसके नेगेटिव क्या है। राइटर जो है वो बेसिकली सीबीआई में डायरेक्टर रह चुके हैं, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर है, वो कह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट में और फॉर में क्या पॉइंट है और कंक्लूजन इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसके अगेंस्ट में पॉइंट सुनो। अगेंस्ट में पॉइंट ये है कि देखो अभी तक जो फेशियल टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है भारत में तो बहुत कम हुआ है, लेकिन जिस जिस जैसे अमेरिका में यूज हुआ है तो वहाँ पे देखा जा रहा है कि ब्लैक जो पीपल हैं, ब्लैक और जो नॉन वाइट जो पीपल है उनके साथ रेसिज्म किया जा रहा है, उनको जो है कैमरे में काफ़ी ज़्यादा बार देखा गया है, और जो फेशियल रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी है उनको ज़्यादा पकड़ रहा है, उन पे ज़्यादा जो है संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे जो है रेसिज्म का आरोप लग रहा है। पता नहीं टेक्नोलॉजी इस तरीके से बनी है या फिर जो है हो सकता है कोई दिक्कत हो, लेकिन पहली दिक्कत तो ये आ रही है कि यहाँ पे रेसिज्म बढ़ रहा है। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली प्राइवेसी, प्राइवेसी की सबसे बड़ी दिक्कत है। आज हमारे देश में डाटा प्रोटेक्शन लॉ है ही नहीं, भारत में अभी तक आया नहीं, तो हमारे देश में इस तरीके की टेक्नोलॉजी लाना तो एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम बन के आएगी। लेकिन मान लो डाटा प्रोटेक्शन लॉ आ भी जाता है, जो कि अभी कमेटी, जो भी कमेटी के पास है, जो भी उस पर जाँच चल रही है, अगर मान लो आ भी जाता है तो फिर क्या बायोमेट्रिक्स हम लाएँ? तो उसके लिए एक अगेंस्ट में पॉइंट दूसरा बनता है कि प्राइवेसी, प्राइवेसी अगर आप डाटा प्रोटेक्शन लॉ ले भी आते हैं तो पुलिस वालों के पास प्राइवेसी हमारी रहेगी, उसका मिसयूज हो सकता है, हमारे फोटोज़, हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारी जो हम आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी निगाहें पुलिस वालों पे हमारे पे होगी। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो चैलेंज निकल के आ रहा है वो है फुल ऑफ एरर्स। टेक्नोलॉजी है, आधार वाली टेक्नोलॉजी भारत देश में, 100% तो सब कुछ सही नहीं हुआ, दिक्कतें आई लोगों को। अभी असम में सर्वे हुआ था, झारखंड में हुआ था, कहाँ हुआ था, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था आपको द हिंदू में, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि वहाँ पे जो 17% जो 10% जो बेनिफिशियरी है G9, जो कि वास्तव में असली बेनिफिशियरी है, उनको डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करने पे, फिंगरप्रिंट मैच करने पे निकाल दिया बाहर। फर्जी भी लोग यहाँ पे आधार कार्ड बनाने लग गए। तो तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है एरर की। कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि पूरी तरीके से सही हो, चाहे वो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी, उसमें एरर आते ही हैं, चाहे वो यूएसए में आए, चाहे यूरोप में भी अभी मांग चल रही है इसके खिलाफ कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को बैन किया जाए, यूएसए में भी जो है मांग चली थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी फुल एरर आता ही है टेक्नोलॉजी में। तो तीसरा चीज़ यहाँ पे हमारे है कि अगर हम रेसिज्म को भी ख़त्म कर दें और प्राइवेसी को भी संभाल लें तो एरर की भी दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से इनोसेंट को पनिश किया जा सकता है और जो गिल्टी है, जो वास्तव में जिसने अपराध किया है, वो बच के जा सकता है। ये मैंने अगेंस्ट में बात कही। अब मैं बात करता हूँ इसके फोर में, इसके समर्थन में अगर मैं बोलूँ, जो आपको मेंस के आंसर में आप लिख सकते हैं। पहली बात तो ये कि टेक्नोलॉजी को आप प्राइवेसी देने से मना कर रहे हैं कि अब आपने जो है यहाँ पे हम अपनी फ़ोटोज़ मिसयूज हो सकती है। आपकी सारी फ़ोटोज़ जो है ऑनलाइन कंपनियों के पास है, फेसबुक पर आप अपनी मर्जी जितनी पर्सनल फ़ोटो डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, लेकिन जो पुलिस जो आपका भला करने के लिए सोच रही है उसको आप अपनी फ़ोटो नहीं दे सकते क्या? मतलब टेक्नोलॉजी का इतना, फेसबुक को पता है आपने फेसबुक में कितना बड़ा जो है काम किया था, जिसकी वजह से जो है डाटा एक कंपनी को भेज दिया था, कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी को, पता है आपको, लेकिन आज फिर भी जो फोटोज़ वगैरह आप डालते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, विश्वास करके कि इसका जो है मिसयूज नहीं होगा। तो विश्वास जब आप ऐसी कंपनी पे कर सकते हो जिसका सोल मोटिव प्रॉफिट का है, तो आप पुलिस जो आपकी भलाई के लिए बनाई गई है उस पर आप विश्वास क्यों नहीं कर सकते? दूसरी चीज, आपने कहा कि यहाँ पे जो आपका डाटा है वो असुरक्षित होगा, पुलिस वाले मिसयूज करेंगे। तो यहाँ पे पुलिस वाले एक एग्जांपल दिखा कि यूएसए में जो पुलिस वाले हैं वो क्या करते हैं
कोई भी क्राइम होता है, क्राइम में किसी का चेहरा सामने आता है अगर कैमरा से, तो अगर वो कैमरा, अगर वो फोटो उसकी किसी डाटाबेस में मिलती है पुलिस वालों की, क्राइम क्रिमिनल जो डाटाबेस है कि आदमी पहले किस कोई आदमी, ये आदमी पहले क्राइम किया हुआ है क्या, क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या इसकी, तब तो उसको जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा। भारत में ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। और मान लो उसका चेहरा मिल भी जाता है, लेकिन अगर कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको डिलीट कर दिया जाए। तो प्राइवेसी की भी बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। और रेसिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल्गोरिथम में हम चेंजेस ला सकते हैं। भाई एल्गोरिथम जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि रेसिज्म हो तो हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं ना। और यहाँ पे जगह जगह देखा गया कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी की मदद से प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। USA में भी जो है कुछ क्राइम्स यहाँ पे सोल्व हो रहे हैं, पुलिस वालों को जो है काफ़ी अच्छी मदद मिल रही है इससे क्राइम सोल्व करने में। तो क्राइम जो है बेटर तरीके से सोल्व हो रहा है और एविडेंस यहाँ पे मिल पा रहा है। तो ऐसे केसेस जहाँ पे एविडेंस नहीं मिल पाता जिसकी वजह से जो है जो अपराधी है वो छूट जाता है, वहाँ पे भी इसकी जो है काम हो सकता है। तो मैंने आपको प्राइवेसी वाला बता दिया, एल्गोरिथम वाला मैंने बता दिया, क्राइम सोल्विंग वाला इसके पॉजिटिव में बता दिया। और आपको अगर कोई भी पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है तो आप अपने पॉइंट्स में लिख सकते हैं। अगेंस्ट में नज़र आती है तो आप अगेंस्ट में लिख सकते हैं, बढ़ा दो आपकी मर्ज़ी से, आपको दिमाग में आता हो तो। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव देखे। अच्छा एक चीज़ और जो यहाँ पे मैं इसके सपोर्ट में कहना चाहूँगा जो राइटर ने लिखी कि फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे आप जो हैं कुछ भी लिख जाते हैं, लोग स्टेटस डाल जाते हैं, पकड़ नहीं पाते, फेक न्यूज़ फैल जाती है, लेकिन CCTV कैमरा अगर पब्लिक प्लेसेस पे लगेंगे तो यहाँ पे लोग डर डर के चलेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे, लोग क्राइम करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो यहाँ पे क्राइम रुकेगा ही नहीं बल्कि प्रिवेंशन भी क्राइम का हो सकता है। तो ये चौथा मैंने आपको पॉइंट समर्थन में बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको कंक्लूजन की बात करता हूँ। कंक्लूजन इस आर्टिकल में सबसे बेस्ट है। कंक्लूजन आप देख सकते हैं कि, और इस तरीके से कंक्लूजन आपको लिखना होता है कि जिस तरीके से, अब देखो कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसमें कोई डेंजर नहीं हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डेंजर है और ऐसा नहीं है कि इन्फेबिलिटी है, इन्फेलिबिलिटी मतलब कोई चीज़ जो है फेल नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं है। सॉफ्टवेयर मेकर में भी गलती हो सकती है और सॉफ्टवेयर बनाने वाले में भी गलती हो सकती है, जो उसकी सेल कर रहा है उसमें भी गलती हो सकती है। तो कंक्लूजन में ये है कि गलतियाँ हैं, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। DNA टेस्टिंग जो फैसिलिटीज़ है लैब्स में उनमें भी दिक्कत होती हैं, लेकिन एज ए ब्यूरोक्रेट और एज ए आप जो है अगर आप पुलिस में होते, कंक्लूजन में आप ये डाल सकते हैं कि पुलिस वालों को जो है काफ़ी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अब वो एरर कम करें, और ब्यूरोक्रेट जो है उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि इसमें जो है एल्गोरिथम ढंग से काम करें, एरर कम से कम हो। और यहाँ पे देखा गया कि पुलिस वाले डिजिटल एविडेंस को जो है ढंग से संभालते हैं, ये राइटर कह रहे हैं कि तजुर्बे से, तो वो चीज़ भी आप लिख सकते हैं। तो डिजिटल एविडेंस को संभाल के रखा जाए, एरर कम हो, तो टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और नुकसान को कम से कम हम कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में आपको इसको मना नहीं करना कि टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना, ऑप्टिमिज्म आपको दिखाना है, हाँ भाई ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसका हम फ़ायदा ले सकते हैं और नुकसान जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है आप आराम से लिख सकते हैं। देखो अ केस फॉर मोर पुलिसमैन मेंस के लिए बहुत बढ़िया आप आंसर आपके लिए बात, और ये होम मिनिस्ट्री का टारगेट था 2009 से कि पुलिस जो है उसमें वुमेन की रिप्रेजेंटेशन 33% तक हम रखेंगे, 33% तक पुलिस वाले वुमेन होंगी, ठीक है। 2009 से टारगेट था, असलियत आज ये है कि 2019 में केवल 10% ही पुलिस वाले जो है वुमेन है, 10% से भी कम है। और 10% ये तो एवरेज बता रहा हूँ, कुछ स्टेट्स में तो 10% से भी कम है, कुछ स्टेट्स में 10% से ज़्यादा है। तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, सिक्किम, 7 ऐसे राज्य हैं जिनमें 10% से ज़्यादा पुलिस वाले हैं और कई ऐसे हैं जिनमें 10% भी नहीं है। इंक्रीज देखा नहीं गया, एक दशक में केवल जो है 5% इंक्रीज देखा गया पुलिस वुमेन में, महिलाओं की संख्या पुलिस में केवल 5% बढ़ी है एक दशक में, यानी एक साल में 0.5% के करीब। सोच लो, जहाँ हम 33% तक हमारा टारगेट था 2009 से, आज हम केवल 10% पुलिस वाले हमारे पास हैं जो कि महिलाएं। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है पढ़ते हैं। सबसे पहले तो सरकार ने रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन सरकार ने दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे पहली दिक्कत यहाँ पे सबसे पहले आ रही है कि कोई एक्शन प्लान नहीं है, टाइमलाइन नहीं है किस तरीके से स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इसको मीट करना है। और
यहाँ पे पहला चैलेंज आपको दिख गया, ठीक है। पहला चैलेंज मैं आपको बता दिया, कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है और कोई जो है यहाँ पे क्लियर टाइमलाइन नहीं है। दूसरा चैलेंज यहाँ पे है सबसे बड़ी कि यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी स्टेट्स में है लेकिन वो सेलेक्टिव है। कुछ स्टेट जो है रिजर्वेशन देती है कॉन्स्टेबल के लिए, कुछ स्टेट्स रिजर्वेशन देती है सब इंस्पेक्टर तक के लेवल के लिए, कुछ स्टेट डीएसपी तक के लेवल के लिए देती हैं। तो कुछ स्टेट्स में जो है यहाँ पे केवल कॉन्स्टेबल रैंक में ही रिजर्वेशन है, कुछ स्टेट्स में यहाँ पे सब इंस्पेक्टर रैंक में है, कुछ स्टेट्स में केवल स्पेसिफिक कैडर में ही है, ठीक है, कुछ स्टेट्स में स्पेसिफिक रैंक में ही है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि रिजर्वेशन पॉलिसी सेलेक्टिव है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, सेलेक्टिव रिजर्वेशन पॉलिसी। तो दूसरा चैलेंज मैं आपके लिए बता दिया कि ये जो है ये चैलेंज नहीं है, रीजन मान लो कि ये रीजन्स हैं कि वुमेन जो है अब तक पार्टिसिपेशन पुलिस में क्यों नहीं बढ़ पाया, क्योंकि दूसरा चैलेंज मैं आपको बता दिया। तीसरा, डिस्पैरिटी इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन अक्रॉस रैंक्स, ये एक तरीके से चैलेंज भी है। और दूसरा जो मैंने आपको रीजन बताया उसका परिणाम भी अपने आप में, क्योंकि आप देखोगे कि अगर वो महिलाएं डीएसपी लेवल तक नहीं जा पाएंगी, अगर रिजर्वेशन में सेलेक्टिव इतना रिजर्वेशन होगा कि केवल कांस्टेबल लेवल पे अगर रिजर्वेशन दे महिलाओं को, डीएसपी लेवल पे नहीं दे, तो जो वुमेन कांस्टेबल है वो रिटायर होते होते हेड कांस्टेबल ज़्यादा ज़्यादा जो है डीएसपी बन जाएंगी, लेकिन उसके ऊपर एसपी आईजी तक नहीं जा पाएंगे। तो अगर शुरू में ही अगर यहाँ पे जूनियर रैंक में महिलाएं रह गई, ये नेगेटिव बात नहीं है कि जूनियर रैंक में महिलाओं को नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन अगर इस तरीके से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं होगा तो केवल वो नीचे रह जाएंगी, ऊपर आगे नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। इसका ये परिणाम होगा कि वुमेन जो रिक्रूट्स हैं उनकी पोटेंशियल यहाँ पे कम हो जाएगी और लीडरशिप पे वो जो है प्रमोट नहीं हो पाएगी, आगे आने वाले टाइम पे वो जो है लीडरशिप अपना जो है पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगी पोटेंशियल, ठीक है। तीसरा चैलेंज है हमारे लिए, अच्छा तो डाटा है, ये डाटा आप मेंशन कर सकते हैं बीच में कि होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि एटलीस्ट 3 वुमेन, ये इंट्रोडक्शन में मेंशन कर देना डाटा, ये तो बीच में मत लाना आप कि 3 वुमेन जो सब इंस्पेक्टर जरूरी है, 2013 में कहा था हर पुलिस स्टेशन में, लेकिन ऐसा जो है नहीं है, कुछ कुछ कमियां, बहुत बहुत कमियां राज्यों में नज़र आती ही हैं। और ये चैलेंज मैंने आपको बता दिए 2-3। एक और चैलेंज, और चैलेंज हम पढ़ लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल बैरियर कि भाई वुमेन का जिस तरीके से इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है, वुमेन कहीं भी होती हैं तो वुमेन को इतना ट्रांसफ़र किया जा सकता है तो वुमेन को दिक्कत होती है, ग्रोथ नहीं हो पाती, उनको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहने दिया जाता, ठीक है। अगला चैलेंज यह है कि अगर मान लो होम डिस्ट्रिक्ट में रहने दिया जाए तो पुअर चाइल्ड हेयर सपोर्ट सिस्टम होता है, एडुकेट फैसिलिटीज़ नहीं होती और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा एक चैलेंज आप डाल सकते हैं जो इस आर्टिकल में नहीं है, मैं आपको बता दूं, जैसे उनको जो है ऐसे इलाकों में कई बार भेज दिया जाता है जो कि हिंसा ग्रसित होते हैं, जो कि नक्सलिज्म से प्रभावित होते हैं, तो उनको जो है एडुकेट यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं मिलती और वुमेन जो है वहाँ पर जाने से डरती हैं, इस वजह से कई बार रिजाइन भी हो जाती है और वुमेन जो है पुलिस में नहीं जा पाती, मोटिवेशन नहीं मिलता वुमेन को पुलिस ज्वाइन करने से। एक और चैलेंज है सेक्सुअल हरासमेंट, भाई आज पुलिस स्टेशन भी ऐसा ऐसी नहीं है कि पुलिस स्टेशन में भी जो है महिलाओं को पूरी तरीके से सम्मान दिया जाता है, कई बार देखा गया है कि वर्क प्लेस में भी जो है सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कल्चर है कि पुरुष जो है महिलाओं से बड़े हैं वो पुलिस में भी देखने को मिलता है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और यहाँ पे जो दिक्कत थी वो ये थी कि अगर आप नंबर बढ़ा भी देते हैं, मान लो आपने जो है वुमेन की संख्या 33% तक भी अगर आप ला दिए पुलिस थानों में, तो क्या सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं। द अंडरलाइंग अजम्पशन सीम्स टू बी दैट इंक्रीज इन नंबर्स विल ऑटोमेटिकली मेक दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मोर रेगुलेटरन, हम ऐसा सोचते हैं कि अगर वुमेन की संख्या बढ़ जाएगी पुलिस थानों में तो यहाँ पे जो कल्चर है हमारा पुलिस वालों का, जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर है वो इग्लेटरन हो जाएगी, लेटर मतलब समानता, वुमेन महिला और पुरुष में समानता, तो समानता हो जाएगा, ऐसा जो है ये गलत है, ये सच्चाई से दूर दूर है, क्योंकि वुमेन को जितने भी ज़्यादा संख्या बढ़ जाए वुमेन को जो है यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डील के लिए ही जो है रखा जाता है, जैसे कुछ स्पेसिफिक क्राइम्स के लिए, जैसे कोई वुमेन से रिलेटेड कोई क्राइम हो, कुछ और छोटे छोटे क्राइम हो, उनको जो मेन स्ट्रीम क्राइम है मेन स्ट्रीम एक्सपीरियंस उनको नहीं लिया जाता, तो यहाँ पे जो है वो एक फ्रेमवर्क में फंसी रह जाती है और करियर पाथ में आगे नहीं बढ़ पाती, प्रॉपर एक्सपीरियंस उनको नहीं मिल पाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैलेंज है हमारे सामने इतने सारे,
कि आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं, ये कोई मैंने 6-7 चैलेंज आपको बताया जिसकी वजह से वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है रिजर्वेशन होने के बावजूद भी नहीं बढ़ पा रहा। कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ रिक्रूट्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इनफ ये नहीं होगा, होगा लेकिन इनफ नहीं होगा, इंस्टीट्यूशनल हमको चेंजेस लाने पड़ेंगे क्योंकि हमको डाइवर्सिटी में जीना है, इंक्लूजन करके जीना है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमको जीनी है। तो डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन जब तक रहेगा, जब तक ये चीज़ें बनी रहेंगी, जब तक इस तरीके का माइंडसेट रहेगा, जब तक इस तरीके के बैरियर बने रहेंगे, तब तक डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन बना रहेगा, चाहे आप कितने भी जो नंबर बढ़ा दो। तो ठीक है, ये आपका जो है मेंस का आंसर हो गया। बाकी आपको कोई भी चीज़ अगर सोचने को मिले, हाँ भाई ये भी हो सकता है वजह कि वुमेन जो है पुलिस वालों पुलिस में जो है अच्छी तरीके से जो है नंबर नहीं बढ़ पा रहा वुमेन का और पुलिस में क्यों नहीं जा पा रही, तो आप लिख सकते हैं। रिविजिटिंग सेटिंग टेफर, ये बेसिकली किस तरीके से देखा जा रहा है, किस तरीके से जो है साइंस का यूज इस्तेमाल हो रहा है, साइंस जो है साइंस की वजह से कुछ साइंस से जो है क्लाइमेट चेंज भी बढ़ा है, साइंस से जो है नेचुरल डिस्ट्रक्शन भी हुआ है, साइंस से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी आई है जो डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन साइंस से जो अच्छी अच्छी चीज़ें भी आई हैं। तो ये चीज़ें हैं इसमें कुछ कुछ ही हैं, तो इसमें जो है आप पढ़ सकते हैं। वैसे मेरे को जितना मुझे लगा कि मैंने आपको बता दिया साइंटिफिक टेम्पर में क्या क्या जो है साइंस में क्या क्या चीज़ें अगेंस्ट में, क्या क्या चीज़ें फोर में, और साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत क्यों है। भाई आज हमारे देश में डिसीज़ बढ़ रही हैं, तो हमारे देश में अभी साइंस की जरूरत हमको काफ़ी ज़्यादा है, तो साइंटिफिक टेम्पर होगा, लोग और साइंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, डाटा पे विश्वास करेंगे कि भाई इतने केसेज आए, इतने डिसीज़ आई, अच्छा इस तरीके से काम हो रहा है, तो यहाँ पे जो है साइंटिफिक टेम्पर बढ़ेगा, साइंटिफिक जो है यहाँ पे प्रोग्रेस होएगी। ठीक है, प्रोडिक्शन मॉडल फॉर COVID-19, देखो अभी हाल ही में चाइना में जो एक मॉडल निकल के आया जिसमें उनको वो कहते हैं कि ससेप्टिबल एक्सपोज इन्फेक्शन रेसिस्टेंट मॉडल। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो मॉडल है, ये जो नाम है इसका ससेप्टिबल एक्सपोज इन्फेक्शन रेसिस्टेंट, ये जो मॉडल के नाम भी 4 स्टेज है, मतलब एक आदमी पहले जो है रिस्क से जो है ससेप्टिबल होता है, यानी जो है वो दूर नहीं जाता, अकेले में रहता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो वो एक्सपोज हो जाता है, और एक्सपोज होने के बाद उसको इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन के बाद वो जो है रेसिस्टेंट करने लग जाता है उस चीज़ को, मतलब उसकी इम्यूनिटी है जो आगे बढ़ने लगती है और वो बीमारी को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। अब रेसिस्टेंट में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक जो चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, ये किसी भी डिसीज का जो है बेसिक रिप्रोडक्शन किस तरीके से निकाला जाता है, अगर एक से ज्यादा हो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर तो इसका मतलब आउटब्रेक जो है यहाँ पे सेल्फ सस्टेनिंग है, यानी ये आउटब्रेक जो है बढ़ता जाएगा, रोक नहीं सकते कोई भी। अगर BRN एक नंबर से कम है तो यहाँ पे डिक्रीज हो सकते हैं, केसेस नहीं आएंगे, आउटब्रेक कम हो जाएगा। वुहान के लिए डाटा जो है अभी अवेलेबल है, वुहान में जो है ये सब चीज़ें बताई जा रही है किस तरीके से केसेस जो कम हुए हैं, और वुहान में अगर आप देखोगे तो कुछ 3.1, 2.6, 1.9 जो है फेजेस में बताए जा रहे हैं, हालांकि भारत में सामने नहीं आया किस तरह कितना जो है हमारे यहाँ पे BRN नंबर है, हालांकि अनुमान लगाया जाए कि BRN नंबर जो हमारा 0.5 है जो कि अलार्मिंग नहीं है, जो कि अच्छी बात है कि इस तरीके से बना रहे और जो है डिसीज हमको आराम से हम इसको रोक सकें। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।